بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم. कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हम सीखेंगे मच वर्सेस मैनी. ठीक है, सो हाउ वी कैन यूज द मच एंड मनी मैनी सॉरी. ठीक है, तो फॉर द मच वी कैन यूज. अच्छा, पहले हम मच के लिए पढ़ लेते हैं कि कहाँ यूज करते हैं. मच वी कैन यूज फॉर इनकाउंटेबल अनकाउंटेबल राइट एंड लार्ज अमाउंट. Large amount, right? For an example, के I didn't get, I didn't get much sleep last night. ठीक है, अब सोने को तो हम वो नहीं कर सकते हैं ना, काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर हम मच यूज़ करेंगे. जो चीज़ काउंट नहीं की जा सकती, जैसे स्टार्स हो गए, पानी हो गया, ठीक है, समंदर का पानी हो गया, इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो हम जहाँ पर अनकाउंटेबल चीज़ होती है वहाँ पर हम मच यूज़ करते हैं. लेकिन एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, जहाँ पर बात आ जाएगी पैसे की, मनी की, ठीक है, वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हाउ मच मनी डू यू हैव. ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे हाउ मैनी मनी यू हैव, ऐसे नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ नहीं लिखी हम लोग. किधर चला गया? ठीक है, तो ऐसे नहीं करेंगे. ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं मैनी के ऊपर. तो मतलब पैसे के बारे में जब बात होगी तब हम मच इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग किस पे? मैनी पे. ठीक है, हाउ वी कैन यूज़ मैनी. मैनी हम यूज़ करेंगे वहाँ पर जहाँ पर काउंटेबल चीज़ होगी, काउंटेबल चीज़, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल, यार ये किस तरह है, क्यों नहीं हो रहा है, इसको यहाँ तो छोटा करना पड़ेगा. ठीक है, काउंटेबल चीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स. देखें, फ्रेंड्स जो है ये काउंटेबल हैं, ठीक है, गिने जा सकते हैं, तो इसीलिए हमने वहाँ पर मैनी इस्तेमाल कर लिया. ठीक है, तो मच आपने दोनों सीख लिए. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till the next video, take care, Allah Hafiz.